YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे जो ब्रॉडर व्यू है मार्केट का, जो कि हम हर सैटरडे या संडे बात करते हैं। तो इस बार मैंने सैटरडे को बात नहीं कर सका, तो इस बार हम संडे को ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीक मार्केट हमारा किधर मोमेंटम कर सकता है, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीक मार्केट हमारा किधर मोमेंटम कर सकता है, डाउन साइड या अप साइड या मार्केट साइडवेज हो सकता है, इसे आप जान पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी का। निफ्टी देखिए कंटिन्यू गिरावट हो रहा था पहले, लेकिन अभी ये साइडवेज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अप डाउन थोड़ा सा ये एक रेंज बनाकर चल रहा है निफ्टी। तो निफ्टी हमारा अभी एक तरह से कहे तो ये साइडवेज है, इसका जो रेंज है देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गया नीचे का और ये ऊपर का एक ट्रेंड लाइन हम खेल देते हैं। तो ये हमारा डेली चार्ट है, अभी इस रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज को देखिए ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो हम यहाँ बुलिश होंगे, नीचे ब्रेक करता है तो बेयरिश होंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रिवर्स फ्लैग पैटर्न है, ये देखिए ये पोल हो गया तो ये फ्लैग हो गया, तो इस तरह से रिवर्स ये पोल फ्लैग पैटर्न है। तो अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमें एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। अगर हम बात करें ऐसे भी ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से मिलाएं तो देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक सपोर्ट रीजन का काम करेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक छोटा सा रेंज में फंसा हुआ है। तो इस रेंज को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल को ब्रेक करने का इंतजार करेंगे, जो कि है 18,600। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम इसमें स्ट्रांग रूप से बुलिश हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नीचे के यहाँ पर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, जो कि गिरावट यहाँ पर 17,250 तक लेके आ सकता है निफ्टी को। ओवरऑल यहाँ पर हम निफ्टी के बारे में बोले तो निफ्टी अभी ना तो बेरिश मोड में है ना तो बुलिश मोड में है, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हैं। तो यहाँ पर जो है आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, जो स्टॉक फंडामेंटली काफी सॉलिड है, जिसके नंबर जो है क्वार्टर के नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं, उसमें आपको काफी गजब का तेजी देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा निफ्टी है, मतलब जो ब्रॉडर व्यू है मार्केट को, वो निगेटिव सेंटिमेंट नहीं है बल्कि एक साइडवेज है और थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिव की ओर बायस है, क्योंकि हम हायर लेवल पे यहाँ पर साइडवेज है, एक तरह से पॉजिटिव की ओर बायस है। जैसे हम कोई एक बड़ी गिरावट दिखाते हैं तब साइडवेज होते हैं, तो वहाँ पर हम बेयरिश मोड में होते हैं, तो यहाँ पर हम अभी भी बुलिश हैं क्योंकि हम हायर लेवल पर यहाँ पर साइडवेज है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, जो स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहा है, जिसके नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं, उसके साथ आप बने रहिए। फिर सेंसेक्स का भी वही हाल है जो कि निफ्टी का है। निफ्टी 50 में हमारा टॉप 50 कंपनी है, तो इसमें टॉप 30 कंपनी है, तो सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। इसका ऑल टाइम हाई है 62,250 और वहीं पर अभी है 60,685 के आसपास। उसके बाद अगला आता है निफ्टी जूनियर का। निफ्टी जूनियर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का आते हैं, तो ये काफी स्ट्रांग रूप से यहाँ पर बुलिशनेस दिखाया, मतलब गिरावट भी हुआ काफी ज्यादा हुआ निफ्टी के कंपेयर में, तो यहाँ पर जो है रिकवरी भी काफी फास्ट हुआ है, लेकिन अभी भी हम इसमें स्ट्रांग रूप से बुलिश नहीं हो सकते जब तक कि अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकल जाता है। तो जो टॉप 50 कंपनी है उससे जो नेक्स्ट 50 कंपनी है वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है जो इंडेक्स है उसका। तो इस तरह से ये हमें जो वीकली एनालिसिस है उसमें सीखने मिलता है कि यहाँ पर देख सकते नेक्स्ट 50 कंपनी, मतलब जो निफ्टी 50 से नीचे की कंपनी और टॉप 50 कंपनी, वो ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है अभी जो है गिरावट के बाद। उसके बाद आता है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अकेले ऐसा इंडेक्स है या अकेले ऐसा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन है 20% से अधिक है निफ्टी में। तो अगर बैंकिंग सेक्टर चलता है तो अकेले ये निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पर बैंक सेक्टर देखिए काफी बेयरिश है, मतलब काफी वीक है, यहाँ पर गिरावट हुआ, थोड़ा सा रिकवरी हुआ, फिर काफी ज्यादा गिरावट, तो ये अपने सपोर्ट रीजन के आसपास ही है। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि है 38,420 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है, मतलब एक बड़ा करेक्शन भी देखने मिल सकता है। तो ये हमारा इंडियन मार्केट हुआ। अब हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट डाउ जोंस देखिए अपने ऑल टाइम हाई को लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पिछले 3 दिन गिरावट दिखाया, फिर पिछले दिन यहाँ पर रिकवरी दिखाया। तो डाउ जोंस अभी भी काफी स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में, मतलब ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में हम सिर्फ डाउ जोंस को फॉलो कर रहे हैं,
उसके बाद आते हैं बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। तो ये देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सबसे जो लीडर है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन अभी साइडवेज है फिलहाल, तो जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई जो है उसको क्रॉस नहीं करता है तब तक ये साइडवेज ही रहेगा, मतलब तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे। तो ये रीजन है इसका, मतलब यहाँ पर हम ड्रॉ करें प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो नीचे इसका ये सपोर्ट रीजन है और ऊपर इसका रेसिस्टेंस रीजन है। तो सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है तो बेरिश होंगे, रेसिस्टेंस रीजन को यहाँ पर ब्रेक करता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। बात करें करेंसी मार्केट का, करेंसी मार्केट में देखिए यहाँ पर जो यूएस डॉलर है वो रुपया के कंपैरिजन में काफी वीक हुआ है। यहाँ पर काफी पहले स्ट्रांगनेस देखने मिला, फिर यहाँ पर डॉलर लगातार वीक हुआ है और अभी एक डॉलर जो है वो 74.30 रुपीज के इक्वल है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर काफी ज्यादा रुपया स्ट्रांग होता हुआ देखने मिला है, डॉलर वीक होता हुआ देखने मिला है। ये डॉलर वर्सेस रुपया का ग्राफ है, तो जैसे ये नीचे आता है तो रुपया मजबूत होता है, डॉलर वीक होता है। तो फिलहाल अभी 74 रुपीज के आसपास है, मतलब एक डॉलर बराबर 74 रुपीज। उसके बाद आते हैं क्रूड ऑयल पर। देखिए क्रूड ऑयल ये भी अभी साइडवेज है, थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन देखने मिला है। और फिलहाल ना तो हम ये बेरिश मोड में है ना तो बुलिश मोड में, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। तो लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो तो बेरिश नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो छोटा सा ट्रेंड है वो नीचे की ओर है, लेकिन जब तक ये 5900 के नीचे नहीं चला जाता है, मतलब 6000 के नीचे ये सस्टेन नहीं कर जाता है क्लोजिंग बेसिस, तब तक बेरिश नहीं होगा। तो क्रूड ऑयल भी काफ़ी स्ट्रांग है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। अभी भी चार्ट इसका काफ़ी सॉलिड ही है, क्योंकि जब तक ये 6000 के नीचे क्लोजिंग देने नहीं लगता है तब तक क्रूड ऑयल भी चार्ट में वीक नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड काफ़ी बुलिश है। देखिए गोल्ड में हमने पहले ही बताया था, जिन्होंने भी हमारे कहने पर बाय किया यहाँ पर सपोर्ट रीजन के आसपास था 45000 के आसपास, वहाँ पर जिन्होंने बाय किया काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा। अभी 49350 पे जा चुका है, यहाँ पर अप्रॉक्स 4000 से ऊपर का यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो गोल्ड में जो चाहें तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जब भी यहाँ पर मतलब रिवर्सल का साइन देता है। तो फिलहाल यहाँ पर दो दिन से ये मतलब जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बना है, मतलब पिछले जो पिछला दिन का कैंडल था वो भी लगभग अप्रॉक्स इनसाइड कैंडल ही था, आज का जो कैंडल है जो पिछले दिन का क्लोजिंग है वो भी इनसाइड कैंडल ही है। ये 10 नवंबर के कैंडल का इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बुलिशनेस नहीं दिख रहा है, मतलब इस कैंडल के ऊपर कैंडल बनता तो ये प्राइस एक्शन काफ़ी बुलिश होता। तो यहाँ पर चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिन्होंने भी बाय किए हैं। उसके बाद अलग अलग इंडेक्स है, जैसे आईटी सेक्टर का इंडेक्स है। देखिए आईटी सेक्टर अभी काफ़ी साइडवेज है, काफ़ी तरह से मतलब साइडवेज ही है। इसका नीचे जो सपोर्ट रीजन है वो है 34500 और ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस रीजन है वह है 37590। तो जब तक कि ये किसी एक और को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बुलिश और बेरिश नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल आईटी सेक्टर पूरी तरह से साइडवेज है। उसके बाद है कंजप्शन सेक्टर, ये भी काफ़ी मतलब यहाँ पर वीक दिख रहा है क्योंकि गिरावट के बाद रिकवरी नहीं हो सका है। उसके बाद एफएमसीजी पूरी तरह से डाउन है, तो एफएमसीजी में काफ़ी गिरावट देखने मिला खास करके एचयूएल में। उसके बाद है सर्विस सेक्टर, देखिए सर्विस सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई खास मतलब यहाँ पर गिरावट नहीं हुआ था, थोड़ा सा गिरावट हुआ लेकिन अभी थोड़े से गिरावट के बाद यहाँ साइडवेज है, मतलब वीकनेस नहीं है। उसके बाद फार्मा सेक्टर काफ़ी वीक है, देखिए फार्मा सेक्टर काफ़ी गिरावट हुआ है, गिरावट के बाद कोई रिकवरी भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो गिरावट काफ़ी हो और रिकवरी भी नहीं दिखे तो वो सेक्टर काफ़ी वीक माना जाता है, फार्मा काफ़ी वीक है। फिर यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, देखिए अभी भी मतलब चार्ट पे ये वीक नहीं हुआ, यहाँ पर जो गिरावट हुआ वहीं पर साइडवेज मूवमेंटअप कर रहा है और कोई खास गिरावट नहीं हुआ है, अपने पिछले किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया। तो जिस तरह से निफ्टी चल रहा है उसी तरह से कुछ फाइनेंस सेक्टर भी चल रहा है। उसके बाद ऑटो सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, जो पिछला मतलब 2020 का गिरावट उसके बाद जो हाई लगाया है। फिर मेटल सेक्टर पूरी तरह से साइडवेज है और जब तक ये नीचे के 5400 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो ये बेरिश नहीं होगा और ऊपर के लेवल को। उसके बाद आते हैं मीडिया सेक्टर अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, मतलब 2020 का जो गिरावट है उससे हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हाई के आसपास है, मतलब 2020 पैंडमिक के बाद जो हाई बनाया उसके आसपास ही ट्रेड करा, ये भी काफी स्ट्रांग है, इसमें भी कोई वीकनेस नहीं दिखने मिला है। रियल्टी सेक्टर ये भी काफी स्ट्रांग है, अपने हाई के आसपास ही है।
फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ये काफी वीक है, यहाँ पर गिरावट हुआ, रिकवरी कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर थे जिसके बारे में आपको मैंने बताया, जिसमें अभी जो मीडिया सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, जबकि फार्मा सेक्टर काफी वीक है, एफएमसीजी सेक्टर काफी वीक है, आईटी सेक्टर साइडवेज है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।